हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रेरणा जोशी और ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैंने कोलेस्टेस्टोमा की सर्जरी करवाई हुई है लेफ़्ट ईयर में और इसी वजह से मेरा लेफ़्ट पोर्शन है वो थोड़ा सा सूजा हुआ है। अभी हुआ ऐसा कि मुझे लेफ़्ट ईयर में थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने पहले तो वैक्स रिमूव किया, वैक्स रिमूव के लिए उन्होंने मुझे ड्रॉप्स भी रिकमेंड किए थे। वैक्स हटने के बाद हमें पता चला कि ये कंफर्म कोलेस्टेस्टोमा ही है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 4 टेस्ट सजेस्ट किए। फर्स्ट एक्सरे वो देखने के लिए कि मेरे बोन को तो डैमेज नहीं हुआ है ना, तो एक्सरे में बोन डैमेज नहीं हुआ था, वो एक अच्छी साइन है। अदरवाइज़ बोन भी सर्जरी से रिकन्स्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने मुझे ऑडियोमेट्री टेस्ट के लिए भेजा। ऑडियोमेट्री टेस्ट में 35% मेरा हेयर लॉस आया लेफ़्ट ईयर में। नंबर 3, सिटी स्कैन के लिए उन्होंने मुझे भेजा था। अभी सिटी स्कैन में कंफर्म उनको पता चल गया कि कितने लेवल का कोलेस्टेस्टोमा है, तो पता चला कि मुझे काफ़ी टाइम से है ये प्रॉब्लम, बट उसका कोई भी सिम्टम्स मेरी बॉडी पर दिख नहीं रहा था। अब जाके हमको पता चला, जब हेयर लॉस हुआ तब जाके हमको पता चला कि मुझे कोलेस्टेस्टोमा है, अदरवाइज़ पता नहीं चलता। नंबर 4, उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला। ब्लड टेस्ट भी हमने करवा लिया और वो भी काफ़ी नॉर्मल था। चारों रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर ने और हमने सर्जरी शेड्यूल की। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस दौरान मुझे कोई भी मेडिसिन या कुछ भी सीरिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई गई थी। दूसरे दिन मॉर्निंग में 8 AM को मेरी सर्जरी थी। सर्जरी लगभग 3-4 घंटे की सर्जरी चली। सर्जरी के दौरान मेरा जो ईयर ड्रम था वो भी कोलेस्टेस्टोमा की वजह से डैमेज हो गया था, तो वो भी उनको नकली पर्दा लगाना पड़ा, या तो फिर वो थोड़ा सा ग्राफ्ट कर देते हैं उसके ऊपर। वो अपने आप से हील होता है, पर हील होने के लिए उसको ज़रा सा टाइम और रेस्ट की ज़रूरत होती है। सर्जरी के ऊपर आते हैं हम। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया राइट हैंड में, और उसके बाद मैं पूरा ही, मुझे कुछ भी सर्जरी के दौरान कुछ भी फील नहीं हुआ। नॉर्मली जैसे हम लोग नींद में चले जाते हैं वैसे मैं पूरा ब्लैकआउट थी, मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ भी याद नहीं है। मेरी आँख खुली तब मैं ICU में थी, और आप इतना ध्यान रखें कि आप ICU में जाए तो आप उसको पहले से ही बोल दे कि भाई मुझे ब्लैंकेट वगैरह जो है वो उठा देना, क्योंकि वो उस टाइम पे आप बोल भी नहीं सकते हो, आपको कोल्ड भी बहुत लगता है। और जो ऑक्सीजन के लिए जो ट्यूब मेरी नाक में डाली हुई थी यहाँ पर, उससे भी बहुत ठंडी हवा बॉडी में जा रही थी, तो बॉडी जो है वो पूरा कूल हो गया था एकदम। तो उसका आप ध्यान रखें, आप उनको पहले से ही बोल दें कि आप हमको ब्लैंकेट उठा के रखना ICU के ऑपरेशन हो जाने के बाद, ठीक है। फिर ऑपरेशन के बाद ICU में जब मैं थी, उसके 4-5 घंटे के बाद मुझे मेरे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया, और दूसरे ही दिन मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। कॉम्प्लिकेशंस में तो कुछ लकीली कुछ था नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको होती है कि आपको सीरिन के थ्रू जो है वो एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीफ्स वगैरह सब कुछ सीरिन से ही दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील होगा, तो वो लोग आपको धीरे धीरे से पानी पिलाने का कहते हैं कि आप पहले ट्राई कीजिए, आपको वॉमिट जैसा तो नहीं हो रहा है, और वॉमिट ना हो उसकी भी दवा वो आपको सीरिन थ्रू ही दे देते हैं, ठीक है। वो ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन शाम को 6 बजे के आसपास हमको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, और 2 दिन मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखा गया। हाँ, एक प्रॉब्लम होता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि वो सीरिन की वजह से आपके बॉडी में पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, बोतल चढ़ती है उसकी वजह से। आपके पास कंपल्सरी एक पर्सन होना चाहिए कि जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में उठा कर, मतलब आपको हेड नेक पे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा ऐसा खड़े रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा यहाँ से थोड़ा खिंचाएगा। आप चाहे तो अपना खुद का एक हैंड यूज़ कर सकते हो, अपने हाथ अपने सिर को थोड़ा सा ऐसा ऊपर करके आप खड़े होके बाथरूम के लिए जा सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी खुद से खड़ा नहीं होना है,
आपको नर्स की या आपके रिलेटिव्स की हेल्प लेनी है। 2 दिन के बाद आपको सब कुछ नॉर्मल फील होगा। आप थोड़ा थोड़ा वॉक कीजिए। दूसरा एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है कॉन्स्टिपेशन का। जनरल एनेस्थेसिया के बाद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता ही है। हो सकता है कि आपको 4 या 5 दिनों तक आपको वॉशरूम लगे ही ना, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपको स्टूल पास नहीं होता है, तो ही आपको डॉक्टर को बताना है कि भाई मुझे स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो वो आपको उसके लिए अलग से दवा देंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी हार्ड चीज़ ना खाएं, जैसे कि नॉर्मल खिचड़ी है या तो फिर शीरो है, जिसमें थोड़ा सा घी की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे आपको स्टूल पास करने में आसानी पड़े, वैसा खुराक लीजिए। आपको बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि आपके स्टिचेस की वजह से आपको खट्टा नहीं खाना है। नॉर्मल दूध खिचड़ी घी डाल के वो खा सकते हैं। और 5 या 7 दिन के बाद वो आपका जो है वो बैंडेज रिमूव कर देंगे। मेरे केस में वो 7 डेज़ के बाद, अभी 2 दिन के बाद में जाऊँगी तो मेरा बैंडेज भी है वो रिमूव कर देंगे। आपको 2 दिन तक बिल्कुल भी कम बोलना है। मसल मूवमेंट जितना होगा उतना आपको बोलने में प्रॉब्लम रहेगा। और स्लीपिंग पोजीशन में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि भाई किस तरह से सोनी, इस तरफ तो आप सो ही नहीं सकते हो ऐसे करके, आपको स्ट्रेट ही सोना है। पर वो जो आपको मेडिसिंस देंगे उसकी वजह से आपको नींद थोड़ी अच्छी आएगी। आपको नेक मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसा स्टार्टिंग में नहीं करना है। आपको हेड पूरा स्ट्रेट रखना है और बॉडी को रिकवर होने का टाइम देना है। जितना आप ज़्यादा सोओगे उतना आपका बॉडी जल्दी रिकवर करेगा। हाँ, अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है ये वाले ईयर में। हाँ, मुझे सिर्फ ये टैप टैप फील हो रहा है, ये मैं कर रही हूँ तो ये टैप टैप फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्दा हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे मेरी लेफ़्ट टंग जो है, मेरे टंग के लेफ़्ट वाले हिस्से में मुझे टेस्ट फील नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ टाइम के बाद आपको अपने आप से सब स्वाद जो है वो